Jaji, firstly, good to see you after long time. Yes. And how are you? And how's the things? How's the promotion? किस तरह से चल रहा है promotion आपकी? जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. दंगे आ रही है दो दिन के अंदर, first batch को. So lot of nervous energy. अच्छा भी लग रहा है क्योंकि जिधर भी जा रही हूँ बहुत जेन्युइन अप्रिसिएशन मिल रहा है दंगे को लेकर. एंड यू काइंड ऑफ कम टू नो जब लोग जेन्युइनली बोल रहे होते हैं और जब लोग थोड़ा फेक कर रहे होते हैं. तो इसलिए खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा है बिकॉज द फिल्म इज़ गोइंग टू बी आउट इन 2 days. एंड आई लिटरली हैव अ रिलीज जो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आ रही है. तो बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है इस समय. सबसे खास बात क्या है इस प्रोजेक्ट की, आपको क्या लगती है सबसे एक ऐसी बात जो आपने ड्यूरिंग द शूट, आफ्टर द शूट, बिफोर द शूट आपने नोटिस की हो आपके किरदार की या फिर कोई भी ऐसे किरदार की? आई थिंक सबसे खास बात तो ये बहुत मुश्किल होगा कहना कि एक चीज़ बहुत ख़ास है. एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब मैं फ़िल्म के दौरान शूट कर रही थी तब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये फ़िल्म ऐसी लगेगी जैसे इस समय दिख रही है. क्योंकि ऑल्सो क्या होता है, हम लोग जो फाइनल पिक्चर होती है वो देख नहीं पाते, वो डायरेक्टर का काम होता है, हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं. तो मैंने इस फिल्म को जिस तरह से अप्रोच किया था वो सिर्फ मेरे कैरेक्टर के थ्रू और जो बिकॉज इसमें ऑनसेंबल कास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो जो पूरा प्लॉट है उसको देखते हुए अप्रोच किया था. मैंने विजुअली इमेजिन नहीं किया था, ऑडियोली इमेजिन नहीं किया था कि ये फिल्म ऐसे निकल के आएगी. तो अभी जब भी ट्रेलर आया है, जब भी जितने गाने आ रहे हैं उनको देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमने किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्योंकि ऑल्सो इतना तामझाम था जब हम शूट कर रहे थे तब बिल्कुल सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि ये कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या होगा. अभी जब सब एक साथ चीज़ें आ गई हैं और देख रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है. सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट की मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पहली बार जो फ्राइडे को मूवी लगती है तो जो पहली ऑडियंस रहती है वो रहती है कॉलेज बॉयज जी, जो मोस्टली मैंने नोटिस किया है. और कॉलेज बॉयज पे टॉपिक बनाना जी, इस तरह का टॉपिक पे कोई बात नहीं करते. विजय सर का सबसे बड़ा विजन क्या था इस टॉपिक को लेकर? आई थिंक सबसे एक जो वो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि हमारे देश में यूथ के ऊपर फिल्में बहुत कम बनती है. और अगर आप कॉलेज को एक ऐसे जॉनर की तरह ट्रीट करें तो कब लास्ट टाइम था जब एक पूरी आउट एंड आउट कॉलेज पिक्चर बनी थी? क्योंकि मुझे खुद याद नहीं आता है कि मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी है जो प्राइमरीली कॉलेज बेस्ड हो. मतलब एक युवा के बारे में आप सोच लेते हैं, जाने तू या जाने ना आपके दिमाग में आती है, या फिर थ्री इडियट्स, लेकिन वो भी पूरी स्टार्ट टू एंड तक कॉलेज की नहीं थी. तो ये जो एक पॉपुलेशन है ना, बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है हमारे यूथ का, जो कॉलेज गोइंग यूथ है, जो स्कूल से निकल कर कॉलेज के लिए जा रहे हैं, उनको केटर करने के लिए आज तक कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है, विच इज़ द USP ऑफ द फिल्म. एंड बिजॉय सर के दिमाग में भी यही था कि उनको ऐसी ऑडियंस के लिए एक फिल्म बनानी है. When you see your career graph, I personally love your career graph, to be very honest. Thank you. Television, Kabir Singh, Khaki, फिर बाद में एक और प्रोजेक्ट आया था, फिर now this project. How do you see? कभी ऐसा बैठ के ऐसा लगता है कि यार my career graph is going like this and it's very good. Yeah. Because आपके social media पे इतने सारे post आते हैं जो जितने एक अच्छे comments आते हैं. मैंने कई बार आपके project में, मैंने Khaki, Kabir Singh में मुझे आप किरदार काफी अच्छा लगा. Thank you. Strong किरदार था. How do you see your career graph? पता है मेरे पापा जो है ना वो एक चीज़ बहुत क्लियरली बहुत टाइम से बोलते हैं कि हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बनो, खरगोश मत बनो, आराम आराम से चलो, लेकिन जस्ट मेक श्योर यू आर मूविंग अपवर्ड. तो मैं अपने करियर ग्राफ को भी वैसे ही देखती हूँ कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है हमेशा एक अपवर्ड जो है उसका स्लोप रहा है. कभी ऐसा ही नहीं हुआ है कि जो मैंने काम किया उससे थोड़ा मतलब उससे उतना गुड इनफ काम मैं वापस नहीं करूँ. सो इट्स ऑलवेज बिन बिगर एंड बेटर. एंड जैसा आपने बोला, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद माई कोरियोग्राफ, क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ये क्यों किया. मैंने जो डिसीजन लिया है टेलीविजन से लेके आज तक, हर एक चीज़ मैंने हमेशा पहले से बेहतर करने की कोशिश की है. एंड आई एम गेसिंग एंड होपिंग कि वो रिफ्लेक्ट भी करता है. डू यू फील ब्लेस्ड? क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो टीवी के कलाकार रहते हैं ना, स्क्रिप्ट फट से पिक कर लेते, क्योंकि वो 14 आवर्स काम करते हैं, स्क्रिप्ट तुरंत आती है और तुरंत आपको काम करना है जी. और मूवीज में कैसा होता है कि यू हैव 3 months, 4 months, यू हैव लॉन्ग टाइम, बट यहाँ पे शॉर्ट टाइम में यू हैव टू पिक स्क्रिप्ट वेरी फास्ट. आपके में भी वैसा लगता है? अगर मैं खाकी की बात करूँ, उसकी स्क्रिप्ट देखिए,
अगर मैं कबीर सिंह की बात करूँ, उसकी स्क्रिप्ट और इस मूवी की जितनी भी मैंने स्क्रिप्ट देखी है, जितनी भी आपके डायलॉग राइटिंग हो गए, काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतरीन है। तो आप किस तरह से देखते हो, डू यू फील ब्लेस्ड कि आपने शुरुआत टेलीविजन से की एंड नाउ यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल रोल इन योर लाइफ? मैं टेलीविजन को बहुत चीज़ों के लिए क्रेडिट देती हूँ। एक तो मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि ये जो क्रिएटिव फील्ड होती है उसमें आपका जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं। आप किसी भी फैंसी फिल्म स्कूल में चले जाएंगे, सीख के आ जाएंगे, वो आपको बेसिक सिखा देंगे, लेकिन आप बेहतर तभी बन पाओगे अगर आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो जो जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला है कैमरा के सामने, वो भी एक्टिंग करने का, वो टेलीविज़न के थ्रू मिला है। क्योंकि जैसा आपने बोला, 14-14 घंटे हम लोग हर रोज़ काम कर रहे होते हैं, हर रोज़ एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो कई सारे जो स्किल्स हैं ना वो बहुत फास्ट हो जाते हैं नेचुरली। जैसे लाइनें याद रखना, इमोशन में इन जाना आउट जाना, ये जो बेसिक्स होते हैं एक्टिंग के, जिसमें लोगों को जनरली टाइम लगता है। तो आई फील मेरे लिए बस एक वो एडवांटेज है बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम टेलीविज़न, इन चीज़ों में मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरा होता है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकलो। इट्स जस्ट मेड मी अ फास्टर पर्सन। एंड बाकी जो एक वो होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करें अपने खुद के इमोशंस के साथ, आपको वो स्पेस भी बहुत मिलता है टेलीविज़न में, क्योंकि इतना जो आपका कैरेक्टर का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होता है। सो ऑल ऑफ दिस क्रेडिट आई ऑलवेज गो बैक एंड गिव इट टू टेलीविज़न। इट्स नॉट कि ये ब्लेसिंग है, प्लेट में रख के तो आया नहीं है, वहाँ पर भी मेहनत की है एंड तभी आज हम ये कर पा रहे हैं। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि ये सब चीज़ें मेरे लिए अभी थोड़ी आसान हो गई हैं और इन चीज़ों को लेके मुझे स्ट्रेस नहीं होता है जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ। कलाकार के अंदर से कला निकालने की सबसे बड़ी बात रहती है डायरेक्टर जी। मैंने आपके करियर की, मैं अगर पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, संदीप सर, बॉस्को सर, अब बिजॉय सर, डू यू फील यू हैव वर्क्ड विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन द इन इंडिया? All the directors I've worked with, some names that you took right now, yes, all of these people, they have a huge amount of credible work attached to them. तो जो सबसे बड़ी advantage होती है ना when you work with these kind of directors is, हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखने को मिलता है, क्योंकि इन लोगों का तजुर्बा इतना ज़्यादा है इस फील्ड में। एंड ये जितने आपने नाम लिए उन सब के आई एम अ ह्यूज एडमायरर, जितना उन्होंने काम किया है। जैसे आप किसी की भी फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, चाहे बॉस्को सर के डांसेस हो, नीरज सर की आप बेबी देख लीजिए, वेंसडे देख लीजिए, एम एस धोनी, बिजॉय सर, आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शैतान, आई मीन मैंने कब देखी थी वो, कारवान मुझे उनकी फिल्म बहुत पसंद है, एंड द फर्स्ट नेम दैट यू टुक संदीप रेड्डी वांगा, उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, दैट्स कबीर सिंह, दैट्स एनिमल। सो इन सबसे मुझे बस एक ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अर्जुन रेड्डी, यस ऑफ कोर्स, दैट्स द फर्स्ट वन। सो एक चीज़ जो मैं हमेशा टेक बैक करती हूँ कि ये जो सब डायरेक्टर्स हैं ना, इनका प्रोसेस अलग है एंड आई एम पर्सनली अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं कभी ऐसे प्री कंसीव नोशंस के साथ नहीं जाती अपने कैरेक्टर को लेकर कि मैं अब जाकर ऐसे करूँगी सीन में, अब ये करूँगी। आई नेवर गो लाइक दैट, आई ऑलवेज गो लाइक अ ब्लैंक स्लेट कि आप बताइए मुझे क्या करना है। सो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे डायरेक्टर्स के पास आप जाओ और वो लोग फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि इसको ऐसे करो, एंड आई थिंक तभी जो आपके जितने किरदार हैं वो अलग तरीके से दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर मैं निकिता को हर कैरेक्टर में लेकर जाऊँगी तो वो तो सेम ही दिखेगा। द एडवांटेज इज बिकॉज दीज पीपल ब्रिंग आउट देयर लिटिल कलर्स एंड देयर रिफ्लेक्शन थ्रू आर कैरेक्टर्स। कमिंग बैक टू दंगे, व्हेन यू हैव टू पिक वन साइड, जैसा ट्रेलर में दिखाया गया था, इट्स डिफिकल्ट टू पिक वन साइड, क्योंकि दो स्मार्ट बॉयज, यस, हैंडसम लुकिंग बॉयज, व्हेन दे कम आउट दे फाइट, या तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो गया था? If you want to pick any side, I can't. I genuinely can't. मतलब मैं यहाँ पर एक modest या एकदम safe होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सच में इतना मुश्किल है दोनों में से एक side चुनना, क्योंकि आपने देखा है दोनों ही जो लड़के हैं बहुत ही good looking हैं, बहुत ही handsome है, hot है, sexy है, जो आप सोच सकते हो उन दोनों में वो सब है। दोनों की bodies अच्छी है and more than anything उनके जो character graphs भी हैं, I think फुल फिल्म में इल बी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी टू लाइक पिक अ साइड लाइक दैट। एंड अगर रियल लाइफ में बात करूँ, इहान और हर्षवर्धन दोनों जैसे इंसान हैं, मेरे लिए उसमें भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है। दोनों की अपनी खूबियाँ हैं, दोनों के साथ मैंने अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा वर्क स्पेंड किया है एंड दे टुगेदर आर अमेजिंग को एक्टर्स। एंड आई फील लाइक मेरे लिए एक को एक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज आई सेड आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई एम ऑल्सो समबडी जो दूसरों की एनर्जी में बहुत अब्जॉर्ब करती हूँ।
तो अगर मेरे सामने कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो थोड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, जिसकी एनर्जी ठीक नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मेरे लिए इस पूरी फिल्म में आसान इसलिए रहा है बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव एक्चुअली मेड मी फील वेरी पॉजिटिव. यस,